तक पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं, उन्होंने कभी हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। सोचो तो सही में क्या मुसलमानों, आज पूरे हिंदुस्तान की निगाह अगर वेलस और अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सब भी यहाँ पर एकजुट होकर अपने इतिहास के जरिए से गुजरात के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, आपके रियासत से पड़ोस में लगी हुई रियासत महाराष्ट्र के मुसलमानों को, हैदराबाद के मुसलमानों को, कि हम नहीं बताएंगे कि जब तुम इतिहास का दमन थाम रहे हो, जब तुम ओवैसी साहब की आवाज पर लबैक कह रहे हो, जब तुम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ देकर वहां पर मजलिस को कामयाब कर रहे हो, तो बुजुर्ग के मुसलमानों ये आवाज सुनो कि आज के बाद यहाँ पर कोई चीज आसमान में अगर भाई भाई इधर तो हमें बदल होना चाहिए। कौन आया है मेरे भाई? शेर में डाला गया तो कौन आया? शेर। अरे आज कांग्रेस के दरअसल गुलाम हम कहां कहीं जा रहे हैं, मजलिस को बदनाम करते हैं। बी टीम है, सी टीम है, ऐसी है वैसी है। अरे हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारकुनान, हमारे सदर जब कभी भी आवाज उठाते हैं, हम लोग बैक कहते हैं, और सदर मोहतरम की आवाज में, उनकी तकरीर में अल्लाह तबारक तआला ने वो तासीर दी है कि जा कहीं और हाथ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं, उनकी तकरीर से अल्लाह दिलों को फेर लेता है। की फिक्र होती है जिसको मासूम और नादार कौम का ख्याल होता, जिनको मजलूमों के एहसास होता है, तभी अल्लाह ऐसे कायदीन को पैदा करता है। याद रखो दीगर के मुसलमानों, अल्लाह जब नेमत देता है तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि नेमत का शुक्र अदा करो। मैं शुक्र तो मैं नहीं कि तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमत के इजाजत। आज हिंदुस्तान की सियासत में अल्लाह पर असदुद्दीन ओवैसी, अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी, आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नेमत है। याद रखो अगर हम इस नेमत की नाकदरी करेंगे तो अल्लाह इस नेमत को छीन लेगा। दीगर रियासतों के मुसलमान इस नेमत की खतरदारी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के सामने आज दारुस्सलाम में उतर रहे हैं। क्या वजह है? यही वजह है कि अगर उत्तर प्रदेश आवाज देता है चलो खतर होता है, असदुद्दीन ओवैसी के सिर को खोचन होती है। तुम खड़े रहिए, उनका खाली वीडियो लो, तुम हमारे खड़े रहो, उनका 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 लो। याद रखो हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी के संविधान की हिदायत के पास से ऐसी ताकत और कुवत है। अरे कब तक हमारे पास हमारे कब तक हमारी कोई अपनी जमात नहीं थी, लेकिन आज तो हमारी अपनी जमात है, आज तो हमारा इधर है, आज तो हमारे लिए लड़ने वाले, हमारे लिए ऐवानों में बोलने वाले, तो क्या अपनी याद रखो अगर हम अपनी पिछली गलतियों का खिमियाजा भुगतने के लिए या अपने पिछले जो फैसले थे उन फैसलों पर अगर खामोशी अख्तियार कर लेंगे या उनके लोगों से कुछ हासिल करना पकड़ ले खड़ा करो।
भाई जरा पीछे नंबर से भी नहीं आ रहा भैया। ये जना आपका नाम, जैसे ना आपका देखो।